देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार देशवासियों, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। दर्शकों, जब भी इस विशालकाय भारत में कोई भी घटना घटित होती है तो हर कोई कहता है कि सीबीआई इस केस को सीबीआई के हाथों में दे दीजिए। और सीबीआई के हाथों में देते ही लोगों का मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको न्याय मिल जाता है। यह मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आपने कभी भी किसी भी पल किसी भी क्षण ये कभी भी सोचा है कि कोई भी बड़ी घटना घटित होने पर हम सब लोग कहते हैं, सीबीआई की मांग करते हैं कि सीबीआई इस केस को जांचे, लेकिन सीबीआई ने क्या किया इस पर कोई गौर नहीं करता। और कई मामले, कई केस, कई मैटर्स ऐसे ही दम तोड़ देते हैं फाइलों में। सीबीआई के दफ्तरों में जमी फाइलें ऐसे ही धूल उड़ाती है। दर्शकों, यह धूल एक और मामले में जम रही है, लेकिन इस धूल को जमने नहीं देंगे। दर्शकों, पूरा भारत लगातार एक मामले को नाक दबे दबने के लिए संघर्ष कर रहा है। और एक बहुत बड़ी कोई शक्ति है जो इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश में लगी है। अब भारतीय लोग बनाम वो बड़ी शक्ति भरपूर कोशिश चल रही है। दर्शकों, आज बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत की। आज फिर सुशांत सिंह राजपूत का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। और यह आज से नहीं कर रहा है, जब से सुशांत सिंह राजपूत हम सभी को छोड़कर गए तब से उनके चाहने वालों ने एक लड़ाई छेड़ रखी। और इस लड़ाई का परिणाम यह हुआ है कि इसमें शानदार काम किया एनसीबी ने। और एनसीबी की बदौलत मुंबई में सफाई हुई है, सफाई। दर्शकों, मुंबई में एक कमिश्नर था जो पैसे लेता था, मोटा रकम लेता था, वो आज भगोड़ा है। सचिन वाजे जो धन उगाही करता था करोड़ों रुपए की, वो भी आज नजर नहीं आ रहा है। दर्शकों, इसी बात को लेकर आज पूरा भारत ये सवाल पूछ रहा है, पूरा भारत ये सवाल कर रहा है कि आखिर सुशांत सिंह केस को बंद करने की साजिश किसकी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच कहां पहुंची, बताइए। सुशांत की 6 डायरी में से 5 डायरियां तो दिखाई, एक कहां है? पिठानी के सर पर चोट कैसे लगी थी, वो आज तक सवाल पूछ रहे हैं। और यह सवाल लगातार होगा, सुशांत मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं, किसी भी एंगल से कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? सुशांत सिंह राजपूत केस को बंद करने की कौन साजिश कर रहा है, यह सवाल पूरा भारत पूछ रहा है और हम भी पूछ रहे हैं। इस केस को बिल्कुल भी दबने नहीं दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनके चाहने वाले लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं, लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, हमारी चैनल की ईमेल आईडी पर लगातार मेल आ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या मामला शांत हो गया, क्या मामले ने दम तोड़ दिया, क्या अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय नहीं मिलेगा, क्या हुआ इस मामले का। अब आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही रिया चक्रवर्ती का अकाउंट डिफ्रीज कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई लोगों के अकाउंट फ्रीज किए थे एनसीबी, कई लोगों के, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह इलीगल है। और इसके बाद दर्शकों, कई लोगों के अकाउंट डिफ्रीज कर दिए। और यह शुरू हुआ जब रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मेरा अकाउंट डिफ्रीज करिए, और उसके बाद लगातार सबके अकाउंट डिफ्रीज करे चले। अकाउंट डिफ्रीज हो रहे, जिनसे पूछताछ हो रही थी वो सब अब खुले घूम रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। नेपोटिज्म एक बार फिर आ गया है, ड्रग लॉर्ड एक बार फिर आ चुके हैं सामने। तो क्या अब हम ये मान लें कि अब इस मामले में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा?
ये क्या मान लिया जाना चाहिए? इसी को लेकर आज सवाल पूछ रहे हैं। इसी मामले में तनेजा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। तनेजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा जी, सुशांत सिंह राजपूत का केस जब से आया, इस केस की वजह से वो सारी परतें खुल गई, वो सारी चीजें, वो छिपी हुई थी जो, वो सब कुछ धीरे धीरे खुलता चला गया। ड्रग कल्चर खुला, नेपोटिज्म खुला, सब पर चोट हुई। लेकिन क्या सीबीआई के पास ये मामला है? क्या आप जांच, आपको लगता है कि होगी आगे, या फिर ये मामला खत्म हो चुका है? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन जब भी उजाला होता है उससे हमेशा ही हार जाता है। सीबीआई, मेरी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सीबीआई अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रही है, लेकिन सीबीआई को टाइम इतना क्यों लग रहा है उसका रीजन मैं बता देती हूँ। इनिशियली जो मुंबई पुलिस है, उन्होंने केस को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया। 2 महीने तक सीबीआई पे कोई जांच नहीं गई। इनिशियली जब मुंबई पुलिस आई थी तो वहां पे, जैसे हमने पहले भी बहुत सारे डिबेट्स में डिस्कस किया है, कि कोई भी चीज को कैप्चर नहीं किया। वहां पे स्टूल था, उसको जो एविडेंस थे वो सारे खराब कर दिए। एक एक छोटी से छोटी चीज होती है, उसको कैप्चर करना बहुत जरूरी होता है। और इनिशियली 48 आवर्स का जो क्राइम होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल होता है। उसको आपको सीज करना था, जगह को सीज नहीं किया, हार्ड डिस्क वहां पे पड़ी हुई थी उसको रिट्रीव नहीं किया। तो इतनी सारी चीजों को अगर आपने नजरअंदाज किया है तो सीबीआई को टाइम लगेगा। और 2 महीने के बाद जब सीबीआई के पास केस गया है तो एविडेंस जाहिर है काफी सारे एविडेंस खराब हो गए हैं। 19 महीने हो गए हैं। धीरे धीरे जब सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और भी 2 डिपार्टमेंट्स आ गए, ईडी भी आ गई और एनसीबी आ गई, और दोनों ने काम बहुत अच्छा किया, बहुत सारे लोगों को समन भी किया। टाइम लगता है, समन किया है, काफी जो लूपहोल्स थे वो भी पता लगे हैं, कहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, काफी एंगल्स भी आए हैं। तो मेरे को लगता है अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई पे आप पहले भी रिकॉर्ड्स देख लीजिए, इतनी जल्दी कोई भी केस है वो सॉल्व नहीं होता, टाइम लगता है। क्योंकि जब सीबीआई के पास केस जाता है तो वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के नेग्लिजेंस की वजह से जाता है। अगर वो लोग निग्लेक्ट नहीं करते थे, सीबीआई के पास नहीं जाता, तो टाइम लगेगा। ऑफकोर्स इतनी जल्दी नहीं होगा, पर हाँ, लोगों के मन में उम्मीद है कि 19 महीने हो चुके हैं सुशांत को गए हुए, तो सीबीआई के कुछ ना कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ जरूर आए। अगर वो सुसाइड नहीं है तो एक बार सीबीआई आकर के कुछ ना कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर दे, कि जो लोगों को एक हौसला, एक विश्वास है सीबीआई पे, वो कायम रहे। जी भाई, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं कि सीबीआई पर केस तो चला गया, बहुत लोगों ने आवाज उठाई, सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों ने आवाज उठाई, सीबीआई तक केस पहुंचा, लेकिन अब इसको लेकर कोई भी साफ चीज निकलकर सामने नहीं आ रही है। ऐसे ही एक हमको मेल भेजा गया है, उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा जरूर करिएगा कि सुशांत सिंह की 6 डायरी थी, 6 में से 5 डायरियां तो दिखाई गई, 1 डायरी कहां है? दूसरी चीज यह है कि प्रथम दृष्टया ही जब इतनी सारी चीजें निकलकर सामने आ रही, इतने सारे लूपहोल्स आ रहे हैं, इतने सारे ग्लिचेस नजर आ रहे हैं, तो अभी तक इस मामले पर कोई आगे क्यों नहीं काम बढ़ा है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस चीज को रोकना चाहती है, इस केस को दबाना चाहती है? तनेजा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे हम 2 साल पहले भी 1.5 साल पहले 19 महीने पहले जब हम लड़ाई कर रहे थे तो कहते हैं इसमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं। अगर सुशांत का जो केस है वो कहीं ना कहीं दिशा सालियान से भी लिंक है, जो दिशा के 1 हफ्ता पहले जो उसकी मृत्यु हुई थी, तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और सुशांत का केस जैसे जैसे सॉल्व होएगा, दिशा का केस भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, जितने हाई प्रोफाइल लोग हैं सबके नाम आना शुरू हो गए। जैसे हम कह रहे थे कि ड्रग्स एंगल अगर खुलेगा तो एक छोटी मछली ही बड़ी मछली तक लेके जाएगी, इनफैक्ट तक लेके जाएगी। तो कहीं ना कहीं, और जो आप 6 डायरी की बात कर रहे हैं, 5 डायरी जो एक्सपोज हो गई और 6ठी नहीं हुई है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सीबीआई और जो पुलिस है दोनों जो काम करते हैं उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सीबीआई कोई भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को ओपन नहीं करता। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो जहां भी शक का कोई भी दायरा होता है उनको बुला करके पूछताछ करता है, और कहीं ना कहीं से हमें वो ऑफिशियल पता लग जाता है। लेकिन सीबीआई का जो काम करने का तरीका है वो पुलिस से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो पहले सारे सबूत इन्वेस्टिगेट करती है, सारे सबूतों को इकट्ठा करती है, पूरी बात की तय तक जाती है, फिर किसी को सम्मन करती है। इससे पहले वो सम्मन नहीं करती। और हो सकता है वो जो 6th डायरी की जो आप बात कर रहे हैं वो सीबीआई के पास जरूर हो सकती है, लेकिन वो अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं करेगी, क्योंकि उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है। और जब वो एक नतीजे पे पहुंचेगी और उनको पता लगेगा कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, दे विल बी प्रीटी श्योर, तब जाकर के 6th डायरी के बारे में होगा। बट आई एम श्योर कि वो 6th डायरी सीबीआई जरूर उस पर वर्क कर रही है, उसको इग्नोर नहीं किया होगा। जी तनेजा जी, देखिए बहुत सारी छोटी मछलियों से बातचीत हुई, इंटरोगेशन हुआ, बहुत चर्चा भी रही, लेकिन अभी आपको लगता है कि कोई ऐसी बड़ी मछली है जिस पर अभी बात होनी चाहिए, जो छिपी हुई अभी तक, जो आई नहीं है बिल्कुल भी सामने?
बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी मछली तो है, क्योंकि देखिए मैंने जैसे भी बोला कि दिशा और सुशांत का जो भी केस है वो इंटर रिलेटेड है। दिशा की जो मौत हुई थी उसके बाद दिशा ने सुशांत को कॉल करके काफी कुछ बताया था मौत होने से पहले। उस चीज को सुशांत ने कॉन्फिडेंस से काफी लोगों को बता दिया था, खासकर अपने पार्टनर को बता दिया था, जिसका जो सभी जानते हैं, जो उसके साथ रूम शेयर कर रही थी, और उसको बताने के बाद इन दोनों में अनबन हुई और वो चली गई। ऐसा क्या था उस हार्ड डिस्क में जो हार्ड डिस्क वो लेकर के गई, वो जब सब कुछ छोड़ करके जा रही थी तो हार्ड डिस्क को क्यों ले गई? मुंबई पुलिस ने सारे के सारे एविडेंस को क्यों नहीं लिया? हार्ड डिस्क वहां पे एक और भी पड़ी थी सुशांत के घर में, उसको कैप्चर नहीं किया? उसका मोबाइल, रिया का मोबाइल, सबसे पहले रिया का मोबाइल को जब्त कर लेना चाहिए था, क्योंकि 48 आवर्स के बीच में अगर आप मोबाइल को जब्त कर लेते हैं तो बहुत कुछ पता लग जाता है। 15 मिनट में आपने डिक्लेयर कर दिया, मतलब आप सोचिए 15 मिनट में आप डिक्लेयर कर सकते हैं सुसाइड, हाउ इट इज पॉसिबल? जो पोस्टमार्टम भी हुआ है वो बहुत जल्दी हो गया, 3 घंटे पोस्टमार्टम का नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे नहीं लगे पोस्टमार्टम, 90 मिनट में पोस्टमार्टम सुलटा दिया गया। और पोस्टमार्टम हमेशा वीडियोग्राफी में होता है, पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में भी नहीं है, तो आप ये देखिए कितनी नेग्लिजेंस हुई है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि बहुत बड़ी मछली है, बहुत बड़ा कोई सपोर्ट है सिस्टम में, रह करके ही सपोर्ट मिल रहा है, तभी इसी वजह से बहुत सारी। और विस्तार रिपोर्ट भी पूरा इन्होंने रिजर्व नहीं किया, अगर ये चीजें सब कुछ रिजर्व कर लेते तो अभी तक केस सॉल्व हो जाता, लेकिन सुसाइड अभी भी नहीं है। मैं दावे से कह रही हूँ कि अगर सुसाइड कहीं भी किसी भी एंगल से होता तो सीबीआई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट पे कहीं ना कहीं आ जाती। एम्स की भी जो रिपोर्ट को सीबीआई ने कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, तो मैं उसको भी कंसिडर नहीं करूंगी जो एक साल पहले एम्स ने एक रिपोर्ट दी थी। हर चीज सीबीआई के थ्रू ही आनी चाहिए, अभी वो काम कर रही है। हाँ, बट ये है कि लोगों को बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है हमारी जो ये एजेंसी है, तो सीबीआई का कोई ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए, नहीं तो लोगों को थोड़ा सा लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच हैं। आप देखिए उन्होंने देश का बेटा खोया है, 75 इयर्स का जो बुजुर्ग, उन्होंने अपना बेटा खोया और इतनी सडन डेथ है, तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए कि जो लोगों को मन में विश्वास रहे। लेकिन एक पहली दफा ऐसा देखा गया था, तनेजा जी पुराने मुद्दों को उखाड़ रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक है, पहली दफा ऐसा देखा गया था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके अधिकारी, हर कोई सामने आ गया, फ्रंट में आ गया, और ये कोशिश कर रहे थे सब के सब कि किसी तरीके से लोग इस बात को एक्सेप्ट करें और डाइजेस्ट करें कि उसका मर्डर नहीं हुआ बल्कि सुसाइड हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पेच नजर आता है। दूसरी चीज ये है कि जिस राज्य में इसी मामले से जुड़ते जुड़ते कड़िया जुड़ते जुड़ते परमवीर सिंह की, उनका भी खुलासा हुआ, सचिन वाजे जो कुछ कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे, उनका भी खुलासा हुआ, लेकिन आज तक ये बात आपको कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि आप इसको मर्डर बिल्कुल ना मानिए, सिर्फ और सिर्फ इसको एक सुसाइड केस समझिए, बार बार ये कोशिश की जा रही है, बार बार आपके मन में ये प्लांट करने की कोशिश की जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं तो ग्लिच मालूम पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे अभी दोनों बंदों के बारे में आपने मुझे बताया, सबको ही पता है, कहीं ना कहीं वो प्लांट करने की इसलिए कोशिश करी जा रही है क्योंकि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ये दो ऑफिसर्स, ये जो सच परमवीर सिंह है, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही रहे थे, तभी तो इस वक्त ये भागे हुए हैं। तो आप देखे कोई बड़ा ऑफिशियल है तभी तो 15 मिनट्स वो अभी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा था और डिक्लेयर हो गया था कि उसने सुसाइड करा है। किस बेसिस पे सुसाइड करा? डेड बॉडी को अगर आप छूते हैं, अगर आप क्राइम सीन में जाकर के कुछ भी छेड़ाछानी करते हैं, अगर आप बॉडी को बेड पे रखते हैं, तो उसी वक्त तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। जितने लोग वहां मौजूद थे, चाबी वाला आया, चाबी वाला आ करके चला गया, और उसके सामने दरवाजा अगर उन्होंने खोला तो आपका कोई रिएक्शन ही नहीं था। इमेजिन करिए अगर कोई डेड बॉडी लटकी हुई है और चाबी वाला आकर के खोल रहा है और वो दरवाजे तक ही पहुंचा होगा, जाहिर सी बात है वो नीचे भी नहीं गया होगा, आपको सडन शॉक हो जाता है, आप एक आवाज निकालते हैं, आप चीखते हैं, कुछ आपने रिएक्ट ही नहीं किया, इसका मतलब सब कुछ पता था। और जैसे ट्रेंडिंग आप देखी जाए, अगर ट्रेंडिंग को आप देखते हैं कि सुशांत हमेशा 4 से 5 बजे रात को ही सोता था, वो हमेशा पढ़ाई करता था या जो भी उसकी पर्सनल लाइफ में, वो 5 बजे तक सोता था। गार्ड ने बोला कि 5 बजे तक उसकी लाइट ऑफ नहीं होती थी, तो उस दिन की ट्रेंड जो थी वो बिल्कुल अलग थी रोज के उससे। तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत लोग इसमें शामिल हैं, ये खुलासा करना बहुत जरूरी है। सीबीआई वर्क कर रही है, लोग दबाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन सच्चाई से कहां दूर जाएंगे। आपने जैसे सबसे पहले स्टार्ट में बोला कि जितना भी अंधेरा गहरा हो वो उजाले से नहीं छुप सकता, उजाला कभी ना कभी होगा, देर से होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इतनी लेट मिली है सीबीआई को, इतने सारे लूपहोल्स हैं, एविडेंस उनके पास बहुत सारे है नहीं, खराब हो चुके हैं। कितने आपने पुराने केसेस भी देखे होंगे, सीबीआई को कोई भी तह तक पहुंचते, कोई भी एक रिजल्ट तक पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है, इसी वजह से, क्योंकि 48 आवर्स जो क्राइम के होते हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं, उसमें आपको जितने के जितने एविडेंस है सब ले लेने चाहिए। डेड बॉडी को
जिसने हाथ लगाया उनको सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए था, उनको कुछ करा ही नहीं, सीधा आप उसको सुसाइड डिक्लेयर कर देंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। आप वेट करिए, मैं तो यही कहूंगी, मैं हाथ जोड़ करके देश की जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वेट करिए, सीबीआई पे भरोसा रखिए, मैं भी भरोसा रख रही हूँ, और इतनी अच्छी इतनी काबिल एजेंसी है वो किसी ना किसी नतीजे पर जरूर आएगी। ठीक है, सीबीआई पर आपको यकीन है, लेकिन एनसीबी ने भी काम किया था, अकाउंट्स को भी काफी लोगों के फ्रीज किया गया था क्योंकि वो एक जांच का हिस्सा थे, लेकिन ऐसे में अब जब अकाउंट्स को डीफ्रीज किया जा रहा है तो ये आप इसको कितना सही मान रही हैं, अकाउंट्स को डीफ्रीज किया गया रिया चक्रवर्ती के साथ और भी कई लोगों के अकाउंट्स को? देखिए, जैसे मैंने अभी ये बोला कि बहुत सारी बड़ी मछलियां हैं, अकाउंट को डीफ्रीज किया है, ये मुझे भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, क्योंकि पहले रिया को हम ड्रग्स एंगल में लेते हैं और उसको जेल भी हो जाती है, उसके भाई को भी जेल हो जाती है, अब उसके अकाउंट को डीफ्रीज कर दिया, इतने सारे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ प्रेशर होगा या एविडेंस मिटा दिए गए हैं, क्योंकि जो हमारी एजेंसीज काम कर रही है एनसीबी, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी में बिल्कुल भी शक नहीं करती, लेकिन जो उसका अकाउंट डीफ्रीज हुआ था जरूर है कोई ना कोई एविडेंस के साथ तोड़ मोड़ किया गया है, इतना कुछ एविडेंस को हटा दिया गया है मे बी, क्योंकि आपने जब उसका मोबाइल जब्त नहीं किया, आप शुरू में देखिए रिया का अगर आप मोबाइल जब्त कर लेते तो उधर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, पता लग जाता कि उसका जो संपर्क है और उसके भाई का जो संपर्क है वो कहीं ना कहीं प्रेडलर्स के साथ है, इंटरनेशनल प्रेडलर्स के साथ है, इसी वजह से वो जेल के अंदर गई, लेकिन मोबाइल जब्त नहीं किया, बाद में जब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो खुलासा हुआ, तो रिया का अकाउंट डीफ्रीज करना, तो यहाँ मुझे लगता है कोई ना कोई बड़े सोर्सेज है जो उसको बचा रहे हैं, बट इट्स हाई टाइम नाउ सीबीआई को और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और थोड़ा सा कुछ एक जनता के पास आकर के मतलब ऐसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहिए कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। जी ओमानी तरेजा जी, ये भी जानना चाहिए कि आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद चीजें खुलती चली गई, इसमें ड्रग कार्टल का भी पता लगा, साथ ही साथ नेपोटिज्म को लेकर भी काफी चर्चाएं रही और भी कई एंगल्स निकलकर सामने आते रहे कि एक माफिया स्टार्ट हो गया है, बॉलीवुड माफिया स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आपका व्यू पॉइंट क्या है कि किस वजह से किसका हाथ हो सकता है, या तो ड्रग कार्टल की आप बात कर रही हैं उस एंगल से देख रही हैं या फिर बॉलीवुड माफिया जो है उस एंगल से किसका हाथ, किसकी साजिश आपको? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है, ड्रग्स कार्टल भी हो सकता है और बॉलीवुड माफिया भी हो सकता है, लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि बॉलीवुड, आप बॉलीवुड मत बोलिए, क्योंकि देखिए बॉलीवुड बहुत बड़ा वर्ड है, बॉलीवुड मींस एंटायर बॉलीवुड, कुछ लोग बॉलीवुड के खराब है उसकी वजह से पूरा का पूरा बॉलीवुड हमेशा ही एक सवालों के कटघरे में आ जाता है और उसका इंप्रेशन और परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों की वजह से आज ये सुशांत को देखने को मिल रहा है, और आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, नो डाउट नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, मैं मानती हूँ, लेकिन हर जगह नहीं है, अगेन कुछ प्रोडक्शन हाउस है जो नेपोटिज्म करते हैं उसी की वजह से हम कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। आप देखिए सुशांत का भी कोई बॉलीवुड का बैकग्राउंड नहीं था, सुशांत का कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन उसने एक मुकाम पे पहुंच गया, लोगों के लोग उसको काफी सराह रहे थे, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, इनफैक्ट जो स्टार किड्स थे और जो ऑलरेडी बॉलीवुड में एग्जिस्ट कर रहे थे उससे ज्यादा सुशांत को लोगों ने सराहा है और उसके पास ज्यादा काम था, और नेपोटिज्म की अगर बात करें, ठीक है उसको मूवी से निकाला गया, लेकिन लास्ट मूवी जो ड्राइव थी वो भी बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की, अगर इतना ही नेपोटिज्म था उसके साथ तो करण जौहर की वो पिक्चर उसको ना मिलती। आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए और अपना बेस्ट आउटपुट दें तो नेपोटिज्म मेरे हिसाब से काफी पीछे हो जाएगा। शुरू में किसी भी आप फील्ड में जाते हैं स्ट्रगल है, आप मीडिया लाइन ही देख लीजिए, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख लीजिए, आप मेडिकल लाइन देख लीजिए, किसी भी लाइन में स्ट्रगल ज्यादा है, मैं मानती हूँ बॉलीवुड में ज्यादा स्ट्रगल है क्योंकि सक्सेस रेट कम है, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो उस टैलेंट को कोई निखार नहीं, मतलब उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, अगर आपको लोगों ने पसंद कर दिया तो फिर तो नेपोटिज्म की कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो मजबूर हो जाते हैं आपको साइन करने के लिए और आप उस पर पर्दे में दिखते हैं। और तरेजा जी, एक और चीज थी कि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के जो चाहने वाले हैं वो काफी अपना ट्वीट्स के जरिए, मेल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए काफी परेशान नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कब न्याय मिलेगा कब, और जो ये ड्यू प्रोसेस है, जो लॉ का जो प्रोसेस है, सीबीआई भी जांच कर रही है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, हर चीज है, लेकिन प्रक्रिया ही सजा है ऐसा कहा जाता है, तो ये कब तक आप क्या सोचते हैं कि इसको लिमिट में दायरे में रखना चाहिए कि कुछ तो बताना चाहिए लोगों को, काफी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है इससे? बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए सीबीआई को कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए, जैसे मैं दो तीन बार आपके चैनल के माध्यम में बोल चुकी कि सीबीआई को आकर के कुछ तो बताना चाहिए, सुसाइड नहीं है ये तो देखो पता है, क्योंकि अगर सुसाइड
कहीं किसी भी एंगल से होता सीबीआई इस वक्त तक केस को क्लोज कर देती। सीबीआई को आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और जो भी प्रोग्रेस हुआ है अभी तक वो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए कि लोगों को इस वक्त जितना वो आस लेकर के बैठे हैं, जितना भरोसा है सीबीआई पे और जितना उनको विश्वास है तो वो विश्वास कायम रहे। कहीं ना कहीं कुछ लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हाँ सीबीआई कुछ काम नहीं कर रही, जबकि ऐसा नहीं है, टाइम लग जाता है। और टाइम मैंने आपको वैसे भी दो बार बोल चुकी हूँ टाइम क्यों लग रहा है, तो मेरे हिसाब से केस पे काम हो रहा है और कड़ियां जुड़ रही हैं और सीबीआई जल्दी से जल्दी कोई नतीजे पे आ जाएगी। पर ये टाइम लगता है, जिस हिसाब से ये प्रोसेस वर्क करता है, केस इतना खराब हालत में सीबीआई के हाथों में किया है तो टाइम तो लगेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मानवी तरेजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी ही खूबसूरती के साथ जवाब देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानवी जी। तो मानवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और मानवी जी लगातार बता रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो लूपहोल्स हैं उन पर भी नजर डाली जानी चाहिए। सीबीआई अपना काम जरूर कर रही है लेकिन सीबीआई को भी कहीं ना कहीं एक बुलेटिन ही जारी करना चाहिए। सीबीआई को कहीं ना कहीं महीने में दो बार इस केस का अपडेट क्या है वो जारी जरूर करना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ, दर्शकों सुशांत सिंह राजपूत के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी, वो आज भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं लाइक अ फैमिली मेंबर कि इस केस पे अपडेट क्या है। वो हमसे लगातार पूछते हैं एंड वी हैव नो आंसर। वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस केस पे क्या अपडेट आया, इस केस पे अब क्या चल रहा है, इस केस में क्या होगा, एंड वी आर जस्ट क्लूलेस। दोस्तों सीबीआई एनसीबी और सीबीआई पूरे, मैं वो कहूंगा सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े सभी लोगों को, सभी लोग एक अपडेट जरूर देना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, करोड़ों जो लगातार इस बात को पूछ रहे हैं, दे आर वेटिंग, वो काफी परेशान है। वो सुशांत सिंह को अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे और वो न्याय मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे, वो न्याय मांग रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सुशांत सिंह के मामले में हमको कब न्याय मिलेगा, सुशांत सिंह केस से पूरा पर्दा कब उठेगा, सुशांत सिंह की हत्या हुई या फिर सुशांत ने सच में सुसाइड किया, इस बात को कौन क्लियर करेगा, कौन दूध का दूध और कौन पानी का पानी करेगा। वो बार बार पूछ रहे और उनको जवाब देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए और हम बड़ा बुरा महसूस करते हैं जब उनको जवाब नहीं दे पाते। तो मेरी बस इस कार्यक्रम के जरिए आज यही कोशिश थी, यही मंशा थी, जैसा कि मानवी जी भी कह रही थी कि सीबीआई और साथ ही साथ जो भी ऑफिशियल अथॉरिटीज जो भी जुड़ी हुई हैं वो सब एक अपडेट जरूर दें कि सुशांत सिंह मामले में क्या कुछ चल रहा है। बाकी हमारा कार्यक्रम तो यूं ही चल रहा है, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, कल एक बार फिर एक नए मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ।